नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया है। इस दौरान भाजपा विधायक विरंची नारायण, किशन दास, समरी लाल, पुष्पा देवी, आजसू विधायक लंबोदर महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा विधायक सीता सोरेन समेत अन्य विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरने पर बैठे सभी विधायक अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इस अवसर पर जीएन भारत के पत्रकार से बातचीत करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि सीसीएल के आम्रपाली परियोजना के तहत शिवपुरी रेलवे साइडिंग में आरकेटीसी बीएलए कंपनी ने 1.5 किलोमीटर वन भूमि का अतिक्रमण किया है। राज्य बनने हुए 21 साल हो गए, लेकिन आज भी सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन हो रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए ये हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। इस बार हमारी सरकार को सत्ता भी मिली है, लेकिन राज्य बनने और सत्ता पाने का जो मकसद था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। झारखंड में जमीन की लूट हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि पर आरकेटीसी बीएलए ज्वाइंट वेंचर कंपनी जमीन अतिक्रमण करना बंद करो और इस पूरे मामले की जांच सरकार को करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर धरना पर बैठे आजसू विधायक लंबोदर महतो टीटीपीएस ललपनिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की निगरानी की जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।